बेटा देखिए, दो सिमिलर एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चंस है, फिफ्थ सब पार्ट यहां का, ओल्ड बुक में भी है, न्यू बुक में भी है, हो सकता है शायद सीक्वेंस कुछ अलग हो, फिफ्थ सब पार्ट यहां का और एक सॉल्व्ड एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल, एग्जांपल 15 मेरा है, तुम्हारा पक्का से अलग रहने वाला है। मैं जानबूझकर सॉल्व्ड एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। क्यों सर आपने वहीं से दिखाने लगे? नहीं, मैं रादर वो मेथड से ही नहीं करवाने वाला हूं इसके लिए, ठीक है ना। उन लोगों की मेथड मेरे को पता नहीं कैसे समझाते हैं, मेरे को आती भी नहीं। उनकी मेथड बहुत अच्छी है और बहुत छोटी है, इसलिए मैं तुमको नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारे को बहुत लंबी बट बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। दूसरी बात, वहां पे ना उन लोगों ने लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी, ये बोर्ड्स में ऐसा यूजिंग पर्टिकुलर आइडेंटिटी करके पूछता नहीं है, इसलिए अब मैं तुम लोगों को बोर्ड जैसा ही पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज बोर्ड जैसा ना, बोर्ड में ऐसा करना है तो प्लीज पूरा ध्यान दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन, मेरा ये LHS है, ये RHS है, ये मुझे प्रूफ करना है। मैं एक बार के लिए यहां लिख रहा हूं, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, जिन लोगों को आता है वो लोग भी प्लीज कुछ और काम नहीं करेंगे बैठ के, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब होगा, इसलिए प्लीज 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 यहां पे पूरा ध्यान देना। साइन माइनस कॉस प्लस वन, अपॉन साइन प्लस कॉस माइनस वन। देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना और भी बहुत सिंपल सिंपल तरीके होते हैं कई सारे, बट हम लोग एक भी वो तरीका अपनाने नहीं वाले हैं। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर RHS से, वैसे आ ही नहीं सकता RHS से LHS पे इंसान कभी लाइफ में, अगर गलती से RHS से शुरू करोगे तो क्या करोगे? ब्रह्मास्त्र नहीं यार, देखो ना कॉन्जुगेट लग रहा है ना यार, अरे ब्रह्मास्त्र इज नॉट रॉन्ग, लगाना ही पड़ सकता है शायद, तो अलग बात है, पर वहाँ पे कॉन्जुगेट का फायदा हो रहा है। अब देखो वैसे वो छोड़ो, मैं अभी LHS से ही कर रहा हूँ ऑब्वियसली। बेटा देखो, तुमने रैशनलाइजेशन सीखा हुआ है, तुम लोगों ने नाइन्थ में, अभी भी हम लोग कॉन्जुगेट जो वर्ड तुमने बोला वो यूज़ करते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं अपन लोग, बीच की साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो मेरा मे बी क्वेश्चन है रौनक को, मेहड़िया रौनक, बेटा ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चा? परफेक्ट, क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, ये गलत है, ये सबसे कॉमन आंसर है जो बच्चा पहली बार देखते आता है वो देता है। तो सुन रौनक बच्चा, अपने को हर साइन चेंज नहीं करना पड़ता है, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन चेंज करना पड़ता है, वो भी जो लास्ट वाले की है ना, प्रेफरेबली वो साइन अपोजिट कर दो। मतलब क्या, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों को एक टर्म मान लो और इसको एक टर्म मान लो तुम, ठीक है। तो अब रौनक वापस से, अब तू मुझे बता कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चा तेरे लिए? परफेक्ट, क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही टर्म था और प्लस वन, तो मैं एग्जैक्टली सिर्फ वो चीज कर रहा हूं। अब प्लीज एक बार कह लेना, सिर्फ हाथ उठाना अगर डाउट है और मैंने बोला रुक जाओ तो रुक जाना बेटा, कुछ बोलना मत डायरेक्टली। अब देखो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन द होल ओवर, वापस से वही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन। यहां पे कोई बच्चा ऐसा जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझती नहीं है, तो मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकता हूँ। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब पहले डायरेक्ट साइन को कॉस से, साइन को वन से, माइनस कॉस को साइन से, माइनस कॉस को माइनस कॉस को वन से डायरेक्ट कर लूँ मैं ऊपर में। देखो ऊपर मैं अंधाधुंध डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ। गुप्ता क्या कर रही है, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट हरकत करते हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या स्मार्ट हरकत है मैं बता भी नहीं रहा हूँ, तुम लोगों ने भी मत करना प्लीज। देखो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई बेटा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइनों का ध्यान रखना, ठीक है ना, SIGN साइनों की बात कर रहा हूँ मैं, साइनों का ध्यान रखना प्लीज। प्लस कॉस थीटा प्लस वन द होल ओवर। अब देखो नीचे, येस आई कुड हैव डन अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट डोंट यू थिंक दिस वॉज एक्टिंग लाइक माई ए, दिस वॉज एक्टिंग लाइक अ बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा हो रहा है क्या, वो देख लो एक बार के लिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज वॉट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। समझा यहां तक का? यस नहीं, चलो ध्यान दो अभी के लिए आगे का नहीं। अब सुनो,
यहां पे जो लाइक टर्म्स है सॉल्व हो रहे, कट रहे कुट रहे काट रहा हूं मैं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया मेरे लिए, और कुछ हो रहा है? यस नहीं, यस माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, लाइफ बढ़िया चल रही है मेरी अभी तक के। इनफैक्ट देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अरे भाई प्लस होना चाहिए था ना, तो चलो माइनस ये छोड़ जान दो, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने ऊपर का तो वापस से लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन द होल ओवर, ये तो आइडेंटिटी हाथ जोड़ रहा हूँ गलती से, आइडेंटिटी ये मत लगा देना, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ढंग से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन हो रहा है, कोई इशू ध्यान रखे। अब आगे का यहीं से दिखा रहा हूँ, देखो क्या ये आइडेंटिटी बन रही है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिन लोगों को लास्ट बेंच वालों को दिख नहीं रहा है वो उठ जाओ भले के लिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ वैसे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या बन जाता है, तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा तो यही वाला है, वो टू साइन थीटा तो वही वाला है, ये जो ब्लू से मैं लिख रहा हूँ ये ठीक है, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस वन तो है ही मेरा, कटा कटा लाइक टर्म्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा द होल ओवर टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर से टू साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, बच रहा है साइन थीटा प्लस वन द होल ओवर टू साइन थीटा कॉस थीटा, कटा कटा साइन थीटा प्लस वन ओवर कॉस थीटा। अगर आप लोग स्मार्टली देखोगे खुद का दे दोगे तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा बन जाएगा मेरा टैन थीटा, वन बाय कॉस थीटा बन जाएगा मेरा सेक थीटा। किसी को भी कोई छोटा सा भी इशू है इसके अंदर, देखो एक और बस स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आर एस नहीं मेरे को पता है आर एस आने का है भाई, रुक जाओ रुक जाओ जाओ। देखो मैंने क्या करना शुरू किया है भाई लोग, मैंने सिंपली ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, पहले जो रौनक ने गलती की थी वो चीज़ उसने सुधारी, आप लोगों को भी ध्यान रखना है, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई थोड़ा ध्यान से, प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना। नीचे इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक टर्म हो गया, वन दूसरा टर्म हो गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा था। उसके बाद में ऊपर जो लाइक टर्म से जो कुछ हुआ वो किया, नीचे में आइडेंटिटी लगा दिया। अब देखो जो ब्लू बॉक्स बना है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा था मेरा साइन स्क्वायर थीटा, वो लिख दिया है। नीचे में जो लाल लाल डॉट बना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके लिए वन हुई थी वो वन, और ये माइनस वन कट गया है। इसके आगे आप लोगों को समझ में आ जाता है, ये तो मेरा एल एच एस हो गया है। अब मैं हाँ सॉरी तो मैं नहीं सिखाता वो वाला मत करना और, ठीक है। अब देखो इसके बाद में मैंने अब यहीं पर आ रहा है इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट आपको दिख जाए। सर एल एच एस आया टैन थीटा प्लस सेक थीटा, आर एच एस तो वन ओवर टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, क्या करूँगा फट से कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया सर मैंने। देखो आर एच एस वन ओवर सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसमें मैंने ऊपर सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि बाद में जाके सेक थीटा प्लस टैन थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई चार, क्या हुआ है देखो जस्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि अली ने ताहिर का ना ऊपर भी तो मेरा लग रहा है वही ए प्लस बी टू ए माइनस बी, तो लगा सकते हो थोड़ा एडजस्टमेंट करके, बट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ गलती से भी कुछ गलत हो गया ना बेटा, उसका क्वेश्चन जरूर सिर्फ एक स्टेप बचाने के चक्कर में, ठीक है ना। प्लीज गाइस बिना देखे खुद से सॉल्व कर लो, भगवान तुम्हारे को लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएगा, सब सब्जेक्ट्स में, वो भी सब सब्जेक्ट्स में, सिर्फ मैथ्स और साइंस में नहीं बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा अब सुनो, ओए 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 गाइस एकदम शांत, डिनोमिनेटर में बी प्लस सी होल स्क्वायर दिखा था ना, वो है ही नहीं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर नीचे, तो ओए 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 सुनो, तुम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने की जगह पे अगर नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तुम मैथमेटिकली गलती नहीं कर रहे हो पर तुम्हारा उससे आंसर मुझे नहीं लगता है आएगा। सी मैं ऊपर नीचे इंटू हंड्रेड कर दूंगा तो उससे मेरे को कोई
फायदा नहीं हो रहा है, पर उससे मैं आंसर की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ। मैथमेटिकली सही है का मतलब मैं कुछ भी करूँ ऐसा अलाउड है, बट ठीक है मत करना यार। हाँ बच्चा कौन सा वाला, मेरे को पता ही नहीं उनका मेथड क्या, सच बता रहा हूँ मत कर। एक बार ये भी कर ले बेटा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला भी तेरे को आता है वाला, देख एक बार ये वाला इसलिए कर ले, गलती से एग्जाम में वो करते करते अटक गई भूल गई, शायद तेरे को याद आ जाए। हाँ बच्चा वो नहीं कर रहा, पहले वो छोड़ो। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बन होता है बेटा। ये पैटर्न का क्वेश्चन बेटा हर साल नियरली पूछा जाता है, स्कूलों में तो पूछा जाएगा ही, हो सकता है अभी तक के जिन्होंने पेपर्स दिए हो स्कूल में ये चैप्टर इंक्लूड हुआ हुआ हो उन लोगों ने देख ही लिया होगा कि ऐसा क्वेश्चन आते हुए 3 मार्क या 5 मार्क के लिए। एक मिनट सुना ही नहीं बेटा तूने क्या बोला है, एक मिनट जा। ओ बाप रे भगवान, पहले एक मैं जस्ट मेरे को भोया रेखी बताता हूँ, गुड यू डिड, बट कोई भी क्वेश्चन का लाइफ में ऑब्सेशन लेके मत घूमना, मैं तुझे बताता हूँ क्यों। कई बार ना हम लोग ऑब्सेस्ड होते हैं कि मेरा मैं जैसे ऑब्सेस्ड हूँ, मेरा एपी बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है एटलीस्ट, मेरे पास एपी का कोई क्वेश्चन आएगा मुझसे नहीं होगा इन एग्ज़ाम, तो मैं ऑब्सेशन में अगर वही लेके बैठ गया मेरा बचा हुआ पेपर छूट जाएगा। बींग ऑब्सेस्ड अबाउट अ सब्जेक्ट इज अमेजिंग, मेरा सब्जेक्ट जरूरी नहीं है मैं पहले ही बता रहा हूँ ठीक है ना, हाँ बट एग्जाम के समय पे नहीं जम रहे तब के लिए छोड़ दे, वापस से आ खत्म करके पेपर, स्ट्रेस मत ले। स्पेशली अगर जेई वेई देगा ना बेटा तो भक्त नहीं आया, खुश हो जाना, बढ़िया टाइम बचेगा मेरा आगे बढ़ना। हमको हमारे सर बोलते थे हम कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे हमारे पेपर में, कुछ भी नहीं आ रहा था हमारे को। हाँ बेटा उसने अपना किया बैठ के, उसने मेरे पास नहीं लेके बैठ के सवाल कर रहा था पगले सामान। तो कल भी मैंने बोला मैं तो नहीं देखने वाला तेरा, उससे उसने जब दिखाया था मैंने दूर से देखा था, तूने गलत किया पक्का से। नहीं कल का मैं बता रहा तेरे को, मैं एक बार रुजा बेटा प्लीज, रुजा क्या बेटा मत भेज मेरे को, अभी दिखा देना एक बार, मेरे हाथ का काम हो जाने दे फिर। बेटा प्लीज छापना मत ये क्वेश्चन ना, एग्जाम में हाईली लाइकली है ये पैटर्न वाला, जो बच्चे इसको रट के जाते हैं वो पछताते हैं, क्योंकि यही एग्जैक्ट डेटा आएगा ऐसा नहीं है, बट ये कंसेप्ट वाला जरूर आएगा। बेटा कोई सॉल्व कर रहा है क्या बेटा? यस बेटे
गाइस एक बार प्लीज शांत रहिए. दिस वन उसके ऊपर वाले में क्या, मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाई बच्चा उसके अंदर, तो उस कारण से मेरे ये तीन टर्म्स आए हैं. यस ये तीन टर्म्स इसके कारण आए और ये माइनस वन था. ये एक और वैसे दैट वाज नॉट हिज क्वेश्चन. एक ही सुनो ओए प्लीज एक बार यहाँ ध्यान दो. 90% ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस थिंग बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइनस वन स्क्वायर और माइनस ऑफ वन का स्क्वायर. बेटा यहाँ पे माइनस को भी स्क्वायर मिल रहा है इसीलिए वो प्लस वन बन जाता है. यहाँ पे माइनस को नहीं मिल रहा, ये तो माइनस कैरी फॉरवर्ड ही हो रहा है. ये वन के स्क्वायर को हम वन लगाते हैं, ठीक है ना. Guys, done. Anyone still solving? थोड़ा क्विक करेगा ऋत्विक बेटा प्लीज. पेज 188 कनुल, पेज 188 क्वेश्चन 22. बच्चा लोग प्लीज शांत रहिए. गुड चलिए अब ओए यही क्वेश्चन में क्या. हाँ बोल. डायरेक्टली एक्सर कर सकता है. गाइस ओए अब शांत. इसका मेथड बहुत छोटा है, इसे छोड़ो, हम छोटे काम करते नहीं है. फिफ्थ सब पार्ट एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट से करना है. ये आप लोग खुद से जब भी ट्राई करना चाहो कर सकते हो. नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो. अभी मत करो ठीक है ना, अभी तुमको जम जाएगा. क्योंकि तुम लोग थोड़े टाइम बात करोगे, रौनक वाली गलती नहीं करोगे क्योंकि वो उसने स्ट्रेस देके ठीक कर चुका है. रौनक कभी नहीं करेगा वो गलती हो, बट तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत गलती कर सकते हो. इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान देके. और प्लस एक और बताता हूँ, हर साल क्या होता है ना, बच्चे लोग वो पहली ऊपर की लाइन लिखने के नॉट टर्म्स रखते हो, कचरे समान घुसा घुसा के लिखते हैं. यार अगर कभी ऐसा बहुत बड़ा है बोर्ड में नहीं, तुम्हारे स्कूल के पेपर में भी, तुम नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. घुसा के लिखोगे तुमको इशू आएगा, ठीक है ना. एक नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड वाला सब पार्ट. देखो ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है. जो अपने आप को मैथ में वीक जानता है हूं मैं, उसने कोई बुराई नहीं है. वो इंसान नहीं करना चाहे, छोड़ना चाहे, चल जाएगा. बट मैं उस इंसान को ये बोलूँगा, जब समझा रहा हूँ तब ज़रूर ध्यान देना. इसमें मल्टीपल चीज़ें होने वाली है, इसमें मेजॉरिटी चीज़ें तुम लोगों को पता है. इसे तुम थोड़ा भी ध्यान दोगे तुमको हर चीज़ समझ में आ जाएगी. तुमको सैंडविच रूल याद है, चलो सैंडविच याद है, बढ़िया. तुमको वो याद है अपन लोगों ने ऐसी चीजों का एलसीएम निकालना सीखा था, वन ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे वन ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है. हाँ यहाँ पे बाजू में माइनस वन थे, ऊपर से मल्टीप्लाई करते थे. फिर एक और छोटी चीज सिखाने वाला हूँ मैं तुमको. ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी पता है, कुछ होती है रटी भी भले ही ना बस. तो वैसे तुम कितने भी वीक हो, अगर तुमको ये चीज़ें पता है तुमको समझ सब कुछ जाएगा. बट तुमको अगर आखिर में भी लगा कि सर नहीं सर मेरे सर फट जाएगा क्वेश्चन से, तो छोड़ देना अभी के लिए.
और बोर्ड्स में आएगा तो जितना जम रहा उतना कर लेना, बट अभी ध्यान देते मैं पूरा देना, ठीक है ना। टन गाइस प्लीज शांत क्या गाइस, प्लीज बच्चा लोग, प्लीज बच्चा लोग, तुम्हारे से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। देखो आज मैं पहली बार एक नई चीज अटेम्प्ट कर रहा हूँ लाइफ में, ठीक है ना। वैसे मैं इसको बिल्कुल देहाती वाले तरीके से, मतलब अपना ब्रह्मास्त्र से शुरू करता हूँ, मैं वो वाला भी तरीका बताऊंगा। मैं पहली बार क्वेश्चन पढ़ के मुझे कुछ और रियलाइज हो रहा है, मैं वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प करना। देखो अगर मैं मान लो ये कॉट थीटा को 1/tan θ लिख दूँ, सिर्फ एक ही कॉट थीटा को, फिर एलसीएम ले लूँ, तो क्या हो रहा है? I'm just trying something. I'm not sure उसे आसान हो रहा है डिफिकल्ट हो रहा है। tan theta upon 1 minus cos theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे 1/tan θ, तो cos theta by sin theta होती थी ना, अरे वो ब्रह्मास्त्र था। मैं यहाँ पे सिर्फ LCM लेने की कोशिश कर रहा हूँ, फटाक से easier इसमें, इसीलिए हो सकता है कोई काम मैंने मैं काट दूँ तुमको, सब भूल जाओ, पर एक बार तो ध्यान दो। प्लस ये तो मैंने वैसे ही रखा है cos theta upon 1 minus tan theta, यहाँ पे बेटा मैंने LCM लिया प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यहाँ तक मेरे हिसाब से कुछ काम में नहीं आ रहा है। रुको 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 अरे अरे रुको 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 रे चलो गुड, कुछ काम में नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें अपन नहीं करेंगे आज लाइफ में। नहीं 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 हाँ वो मुझे बात गाइस चलो ओए, जो मेरे को लग रहा था मुझे दिख गया वो काम में नहीं आ रहा है, इसे मैं छोड़ दिया। चलो गेटिंग बैक टू बिल्कुल अपना देहाती वाला क्वेश्चन का, ब्रह्मास्त्र जिंदाबाद, साइन थीटा बाय कॉस थीटा द होल ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा द होल ओवर 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सुनो ओए, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, थोड़ा सा ध्यान देते जाओ प्लीज बच्चा लोग, ठीक है ना, कोई कुछ लिखेगा नहीं बिकानल। बेटा प्लीज़ मत लिखिए, जो लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ साइमल्टेनियसली, आई हैव नो आइडिया आप लोग क्या कर रहे हो, बट मत करो जो भी कर रहे हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट भी कर रहे हो तो मत करो, अभी मैथ्स ही पढ़ो, ठीक है ना। अब देखो ओए, सैंडविच प्रॉपर फॉर्मेट में, देखो ब्रेड चीज़ चीज़ ब्रेड, एलसीएम एलसीएम सब लिया हुआ है, लगाया बेटा अपन ने साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक के आपको लाना आना चाहिए, यहाँ तक के मुझे कुछ नया नहीं सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब मुझे एलसीएम लेना है, एक तरीका है पागलों सवाल क्रॉस मल्टीप्लाई करो करो, मे बी उससे आंसर आ भी जाए बट तुम मर जाओगे। एक सेकंड, क्या बोली स्तुति? इंटू परफेक्ट। देखो पहला एक पार्ट वो है इनटू माइनस वन वाला जो कार्य भी बोल रहा था, बट सुनो मैं जस्ट तुमको दिखा रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, तुम लोग जब माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट साइड में कर रहा हूँ मैं जान पूछे, आई थिंक पनपालिया ने पहले एक बार लेफ्ट साइड में किया हुआ है माइनस वन ऊपर से मल्टीप्लाई, वो भी कर सकते हैं, मत कर बेटा। एक सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मुझे बताओ क्या एलसीएम आ चुका है क्या? नहीं नहीं आ गया है क्या? आ सकता है कि नहीं बच्चों? आ गया क्या? डिनोमिनेटर सेम हो गए? नहीं, बट वी आर वेरी क्लोज। अब देखो अगर मान लो मेरा नंबर ऐसा है 1/5 × 3 और दूसरा है 1/5 × 2, मुझे एलसीएम लेना है, तो मुझे दिख रहा है ये 5 और ये 5 तो कॉमन ही है, तो बस सिंपली मैं यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो बच्चा लोग मैं वही कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरा ये तो सेम है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर लूँ बेटा मैं, तो देखो अब प्लीज़ प्लीज़ अब ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा में ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है मैंने, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में नीचे भी
साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस तो माइनस था ही, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों जगह पे कॉस थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ तक है ठीक है। ये किसी को नहीं समझा तो हाथ उठाओ, मैं एक बार ही समझा। यस देख, वॉज इट फाइन टिल दिस रेड कलर, ब्लू कलर पे शिफ्ट जो हुआ है, मुझे स्तुति और इन लोगों ने बोला माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया दूसरे टर्म में ऊपर नीचे, तो ये तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया और ये वाला ब्रैकेट पलट गया बेटा। उससे फायदा क्या हुआ तेरे, ये आई मीन टू से ये और ये ब्रैकेट सेम बनना शुरू हो गए, फेयर इनफ है। अब उसके बाद में मैंने पहले वाले टर्म में ऊपर नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले टर्म में ऊपर नीचे कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, तो उससे फायदा क्या हुआ है मैं तेरे को दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है देख बेटा, डिनोमिनेटर सेम बन गया है बेटा, न्यूमरेटर बन चुका है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा द होल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बेसिकली मेरा एलसीएम मिल चुका है मुझे डिनोमिनेटर का बेटा। का मैंने ये ऐसा जब था तो वो डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम मैंने एलसीएम लेना पड़ता है, तो मैंने स्मार्ट ले लिया उसका एलसीएम, ठीक है। ये हार्दिक तू क्या बोलता बेटा, नहीं बेटा ये क्लिक नहीं हुआ वाली हरकत नहीं हो पाएगी, सॉरी बम्बू क्लिक नहीं हुआ कोई बात नहीं बम्बू, यस उससे तू मर जाएगा डबल बम्बू, क्लिक नहीं होना बेटर तरीका फिर तो। तुम अगर पहले एक ही स्टेप में माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे साइन साइन वहाँ पे कॉस कॉस भी कर, ठीक है, बट अभी के लिए जब तुम सॉल्व अपनी कॉपी में करो मत करना, ठीक है, याद रखे। अब इसके आगे तो बहुत फुद्दू सी चीज़ें बची है हमारी, हाँ सॉरी, देखो अगर मैंने जब माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, ओरिजिनली वो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, मैंने यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, ये तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया है, ये माइनस वन मैंने इसको दे दिया और फिर अंदर के ब्रैकेट में पलट गई, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन गया वो, जो कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, समझा नहीं बेटा। देखो ए इंटू बी इंटू सी गर्फ, ये तेरी गलती थी पहले भी, इसका मतलब यह था पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करूँ, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया काम खत्म तेरा, तो मैंने ये माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई किया काम खत्म कर दिया मेरा, ठीक है। अब गाइस इसके आगे बड़ा आसान सा है, मतलब क्या सर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कट गया, ऊपर में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा द होल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, पागल हो समान एक काट मत देना मारी खाओगे अब तो, अपने 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 को दिए वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा बनता है सेक कोसेक और ये प्लस वन। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, कुछ लोग पागलों समान रटते हैं पछताते हैं, फिर मैथ नहीं रट पाओगे तुम लोग, स्पेशली ये एक स्टेप रट लिए ठीक है कि यार नहीं समझा ये चल ठीक है ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई करना सर बोले थे आंसर आता तो ठीक है, एक बार देखो वापस से प्लीज एक बार देख लो क्या हुआ है। पहले तो स्टार्टिंग का इजी है, ब्रह्मास्त्र एलसीएम सैंडविच रूल, ये रेड वाला पार्ट इजी था, ब्लू वाले में मैंने दूसरे टर्म में ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, क्यों किया है जिससे नीचे के डिनोमिनेटर्स जो है ना बेसिकली वो एलसीएम जैसे पास में आना शुरू हो जाए। फिर ब्लैक वाले में मैंने ऊपर नीचे पहले में साइन थीटा मल्टीप्लाई किया है, उसमें कॉस थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया है, मेरा एलसीएम आ गया, आगे कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे ढंग से आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो पहले हाथ उठाओ, यस ब्लू वाले में नीचे वाले का साइन अगर मैं खोलूंगा तो साइन अपोजिट हो जाएगी, मतलब साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस हो जाएगा, वो ऊपर वाले के लिए ना बेटा, ऊपर वाला नीचे थोड़ी भेज रहा हूँ मैं, ऊपर को ऊपर रहने मैंने, माइनस टू अपॉन थ्री कुड हैव बीन रिटन एज टू ओवर माइनस थ्री ऑल्सो, बट इट कैन नॉट बी रिटन माइनस टू अपॉन माइनस थ्री, मतलब क्या होता है, ओए यार एक बार शांत हो जाओ यार,
मान्य रोकड़े जिनका हो गया क्लैरिटी है वो लोग सॉल्व करेंगे बिना बात किए। देखा बेटा बच्चा देख, मैंने जो नीचे माइनस मल्टीप्लाई किया था और वो ऊपर भी किया था, देख इट वॉज ओरिजिनली दिस थिंग, मैंने यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन मल्टीप्लाई किया था, ये माइनस वन प्लस वन मिला के माइनस हो गया था और ये माइनस इसको मिला था तो ब्रैकेट की साइन चेंज हो गई थी, तो मैंने कंज्यूम कर चुका है उस चीज़ को। ठीक है, कंज्यूम मैंने यूज, इंग्लिश अपन सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, नहीं अपन सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बट हाँ बेटा बोलो। हो तू नहीं, तू मुझसे सोशल इंग्लिश में पूछ सकती, शायद मैं बता पाऊंगा, बचे लोगों का नहीं पता बेटा मुझे। एक सुनो डाटा, हाँ बोल। अगर देखो ओए, मैं लाल वाले के इसमें ना यहाँ पे मुझे नहीं पता तू यही पूछी थी कि नहीं पूछी थी, सिर्फ यहाँ पे जाके सिर्फ साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया ही नहीं हो, तो उससे क्या हो रहा है ना, डिनोमिनेटर साइन कॉस पहले वाले का इंटू साइन माइनस कॉस, दूसरा वाला है साइन कॉस बैकअप कॉस माइनस साइन, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम, अगर तू ये पूछ रही थी तो। हाँ अब तू क्या पूछे, पूछ अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी तो है ना, तेरा बोलना है ये इसको खोल के साइन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर, वहाँ पे साइन कॉस माइनस साइन स्क्वायर, तूने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये पूरा का पूरा यहाँ पे, नहीं 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 बेटा तू वो करेगी ना, तेरे बहुत सारे ऊपर टर्म्स आ जाएंगे, नीचे भी बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे और फिर तेरे साथ प्रॉब्लम वो होगा, भोजन के साथ बैठना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, भोजन समझा। अरे मेरे भाई सुन, यहाँ पे सॉल्व करना और एग्जाम में ऐसा सॉल्व करने में ना बहुत स्ट्रेस आता है, जब तीन पेज काट के बाद में समझा कि अपन क्या गलती करते थे। हाँ पेज 200 क्वेश्चन 33 बस। हाँ बोल, मैं मतलब क्यों लगा नहीं है तेरे को। हाँ बेटा नहीं 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 मतलब आएगा, नहीं आएगा मतलब, मत करो मत करो मत करो, ये सब पाप मत करो बेटा, भगवान ऊपर जाने का मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा फिर, मत लगाओ, मैं वही बोल रहा हूँ गाइस, डू नॉट यूज एक्स्ट्रा ब्रेन ओवर ये, अगर ये कर ली तो क्या, मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ, ये कर रही है तो आत्महत्या कर लेना। हाँ कर लेना कर लेना। अच्छा रुक जा, बहुत ही बढ़िया, चुप रहे गाइस, बातें मत करो प्लीज। पेज 57 तीन चार लाइन छोड़ देना, पेज 57 क्वेश्चन 8, पेज 58 क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, नहीं एक्सटेंड होगी क्लास, चुप रहना बे। बेटा लोग प्लीज बातें मत कीजिए प्लीज, हाँ पेज नंबर 120 क्वेश्चन 18 चलिए हो गया क्या आपका ये बेटा, जिन लोगों का हो गया है वो लोग क्या बोलते हैं
8:45 का मैसेज डाल दो जो लोगों को पिक करने आते हैं, ठीक है ना, जो लोगों के 8:45 तक क्लास चलेगी आप लोगों की आज। गाइस शांति शांति। तनुज पहला कौन सा था बच्चा क्वेश्चन? हाँ मैं वही मैं तो डाल ही रहा हूँ अच्छा। एक मैच हाँ नहीं उसके पहले कल एक जो क्वेश्चन गया था उसका एक और आगे का रहना है। चले गाइस ओए बेटा सबका हो गया है गए। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? इट इज 32। आई एम गिविंग यू टाइम टिल 34। 33 हो ही रहा है मतलब इसी के लिए एक ही मिनट और है। ओए हाँ ओए बेटा नायरा ये रख ले बेटा, वो गलती उसके पास दिया हुआ है, वो भूल गया ना तो हमारा हो जाएगा। बता दो बेटा ओए जिनको पेपर चेक करवाना है उनको, जिनको टाइमिंग लेना है ना वो मुझे क्लास के बाद मिल लेना, अभी रुक जाओ। हाँ बच्चा वैसे जब बोर्ड में आता नहीं इतना सब कुछ नहीं है। ओए सुनो ओए देखो मैं लकी था 2009 के पेपर बहुत इजी आया था। मैं लकी था जिस साल मैंने पढ़ाना शुरू किया उस साल से पेपर इजी रहे। तुम अनलकी हो, तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। आज तक के जितना आया उससे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर तुम्हारा आने वाला है, ये समझ के बैठना पेपर के अंदर। मैं तेरे पास इसलिए लकी था क्योंकि मैंने हर एक चीज़ पढ़ के बैठा था तो मुझे सब कुछ देखा देखा लग रहा था। मेरे फ्रेंड्स बहुत अनलकी थे जिन लोगों को लगा था पेपर इजी आता है, उनको देखी दुखाई चीज़ें भी याद नहीं थी। तुम अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके रखो तभी तुम लोगों को कैसा भी पेपर आया तुम झेल पाओगे, कोई भी सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट्स का। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को सब सब्जेक्ट्स का। बेटा जिस दिन तुमने सोचा कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी करके बैठूंगा, मैथ्स का तो ठीक है, तुम साइंस के इतने, मुझे सोशल का इतना आइडिया नहीं है, जिनको है उनसे पूछ लेना। इंग्लिश के इसमें भी बेटा लेटर राइटिंग वेटर राइटिंग मुझे नहीं आइडिया, तुम्हारे को बुक में क्या होता है हमारे समय तो कुछ रहता नहीं था। तुम जितना ज़्यादा सिर्फ बुक करके बैठोगे उतना तुम लोगों ने कम किया हुआ, यह ध्यान रखना। ओए गाइस एक और चीज़ सुनो, ओए 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 गाइस प्लीज़ सुन लो ये मानना, बट इट इज़ प्रिटी पॉसिबल तुम लोगों को कोई चीज़ कटाई गई हो स्कूल ने बोर्ड से तरफ से जो तुम्हारी बुक में आई नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, और वो गलती से तुम्हारे ओसवाल में आ जाए या उसका आंसर उस पार्ट से उठा के आ जाए, बेटा ये चीज़ें नहीं पूछने वाले स्पेशली थ्योरी पेपर्स के अंदर। और G20 तो आज तक था ही नहीं कभी भी, नहीं नहीं इस साल का मुझे नहीं पता अगर ऐड हुआ है तो, बट वो चीज़ें तुम देख लेना। चलो नाउ ओए भाई लोग शांत, बेटा प्लीज शांति। बेटा अब एनसीईआरटी खत्म हो गया है, अब ध्यान देना, तबीयत खराब लगी है तेरे को? हाँ जब मैं थोड़ा सा हिलाता हूँ सब ठीक हो जाएगी। बेटा कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या था वैल्यू? चलो मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, फट से ध्यान दो इस चीज़ पे, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ में, ठीक है ना? बेटा प्लीज शांत, लास्ट बेंचर्स प्लीज शांत, एंड इफ यू फील तुम लोगों को सबको जाता है सब सब्जेक्ट्स का तुम निकल सकते हो क्लास के बाद। ये क्वेश्चन याद है क्या? कल ऐसा कुछ तो भी देखे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं देखे थे, कहाँ से याद होगा भाई तुम लोगों को? तुम लोगों ने देखे थे इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तुमने कोई sec थीटा की वैल्यू निकालना सीखे नहीं, बट ये एग्जैक्टली जैसा कल कह गए थे ना वैसे ही करना है। एक बार देखो न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो।
कोई ब्रह्मास्त्र नहीं, कुछ नहीं। मैं लिखा सर sec square theta माइनस tan square theta इज इक्वल टू वन, ये तो आइडेंटिटी है। sec theta माइनस tan theta इंटू sec theta प्लस tan theta इज इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू 5 पता है मुझे। कर्नल ध्यान देना बच्चा प्लीज़, ये 1 हो गई है, ये यहाँ पे जाए। अबे अब तो दे, तेरे को बोल रहा हूँ प्लीज़। उसके बाद में ये 1/5 हो गई है, ये चीज़ हमने कल सीखी थी। अब देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपको सॉल्व करना आता है। तो देखो मैंने 1 को जैसा का जैसा था, sec थीटा माइनस tan थीटा, दूसरे को वैसा का वैसा लिख दिया मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा। अब मे भी सब्ट्रैक्ट करो, तुमको एलिमिनेशन में सब्ट्रैक्ट करने की आता है ना। चलो ठीक है, वैसे ऐड करोगे तो आंसर और फट से आ जाता है, बट ठीक है मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये कट जाता है तुम्हारा, तुम्हारा मतलब माइनस 2 tan थीटा, 5 माइनस 1/5 इज गोइंग टू बी 24/5। तो बेसिकली tan थीटा इज गोइंग टू बी माइनस 12/5, ये माइनस 2 से आप डिवाइड हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू पता चल गई है, वो वैल्यू यहाँ डालो या यहाँ डालो आंसर आ जाएगा। तो इम्प्लाइज sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू माइनस 12/5 इज इक्वल्स टू 1/5, sec थीटा इज 1/5 प्लस 12/5 इज 13/5, खत्म। अब ऑब्वियसली वो इक्वेशन 1 और 2 को आपने ऐड कर लिया होता, जानदार ध्यान दे, अगर 1 और 2 को आपने ऐड कर लिया होता तो भी आप लोगों का आंसर फट से आ गया होता, ठीक है ना। सुनो एक बात, कुछ नहीं, sec थीटा माइनस tan थीटा बता था, sec थीटा प्लस tan थीटा निकालना कल सीखे थे। दो इक्वेशन दो वेरिएबल sec और tan के लिए निकाल रहा हूँ मैं, खत्म। तू कल ऑप्शन देना, नहीं तू कल प्रेजेंट देना, कल ऑप्शन देना, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, अब जो आगे आएगा तो सब समझेगा। ध्यान नहीं बैठा, मैंने ऐसे डालने की कोशिश किया है जो मुझे दिख रहे थे, लेट्स सी इसमें से कुछ है क्या जो तू बोल रही थी। लास्ट बेंच ओवर हियर, विवान वाला ग्रुप, प्लीज़ बातें मत करो बेटा। बेटा प्लीज़ करते रहिए फटाफट। अब एक अलग भारी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। सैम्पल पेपर का ही और तुम्हारे पता नहीं, यहाँ पे सैम्पल पेपर लिखा हुआ है, ये वही बोर्ड्स वाला या नहीं है, वो सैम्पल पेपर नंबर 1 बोर्ड्स का है, बोर्ड का जो भी। बहुत ही बढ़िया अजीब वाला क्वेश्चन है, वो मुझे पता है, ओपन करेंगे बेटा सॉल्व। तुम लोगों को पहले उतनी लेवल बना लो कि तुम्हारी एनसीईआरटी ढंग से हुई है कंसेप्चुअली, फिर तुम्हारे को हो जाएगा। नहीं देखो अभी, ओए ये हो गया है आपका, थोड़ा क्विकली करो, मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ सर, ठीक है ना। हेंस प्रूफ नहीं, हेंस फाउंड हो जाएगा फिर बेटा। जैसा क्वेश्चन है वैसा कैसा छाप रहा हूँ बेटा मैं। बेटा अपन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ही कर रहे हैं आज क्वेश्चन से, याले 1 यूनिट है बेटा। यही है और तो देखना है पहले, बड़ा खुद से करना बेटा अब तो क्वेश्चन सॉल्व। रुक जा 2 मिनट अभी के लिए। नहीं बेटा क्वेश्चन ही अभी तक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो तो आपको हिंट दे रहा है। गाइस शान, अब देखो बेटा ये ना, तुम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। शोन बिलो इज अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1, मेक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन इन दिस सेमी सर्कल एंड शो दैट टैन थीटा बाय 2।
अब सुनो, टैन थीटा बाई टू का मतलब टैन थीटा द होल बाई टू नहीं होता है। अबे चोपली ध्यान देना यहाँ पे, टैन थीटा बाई टू का मतलब थीटा जो भी है दैट डिवाइड बाई टू। अगर किसी का थीटा 80 डिग्रीज है तो थीटा बाई टू 40 हो जाएगा, मतलब टैन 40 की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि टैन 80 निकालूंगा मैं और फिर डिवाइड बाई टू करूंगा, नहीं। टैन थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। किसी ने कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सिंपल सा सिर्फ पहले क्वेश्चन देखेंगे और कोई दिमाग नहीं लगाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। वन यूनिट है तो उसके नीचे तो लिखा बेटा। अरे मेरे बाप, वही बोल रहा हूँ मैं, ये टैन ऑफ थीटा बाई टू और टैन थीटा द होल बाई टू में डिफरेंस होता है, ये वाला भी चल रहा है अपना। हाँ, वन यूनिट बैठे हो, सेंटर ही होगा ना। मत करो बेटा बातें, ही रहने ये स्तुति। हाँ मैं करके दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन बैंक बना के नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ मेरे को आता है एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन, आई थिंक सो वो एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टैन थीटा बाई टू का प्रूफ होता था और हम लोगों को 11th या 12th में कराया हुआ था। अब तुम्हारे वो सैम्पल पेपर में आया हुआ है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैंने तुमको पहले ही तुम दिखाए हो तो मैं रहने दो, ये नहीं पूछना ले। ध्यान दो अभी के लिए, ओए अब ध्यान दो, जितना भी क्वेश्चन लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब यहाँ पर ध्यान दो। तुम लोग फिर से बनाओगे ये डायग्राम को, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये सोल्यूशन है अब हमारा शुरू जो हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन में बेटा मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। मैं नाम दे रहा हूँ, ये मान लो ओ ए बी सी, ठीक है ना। देखो अभी सोल्यूशन में मेरा ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होने वाला है रेडियस के कारण, तो इम्प्लाइज मेरा एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसी को पता है क्या? या किसी को ये देखो, ये एंगल इज इक्वल टू ये प्लस ये होता था। जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए लंबे तरीके से बता रहा हूँ मैं, जिनको पता है उनको मैं शॉर्टर तरीके से बता दूंगा मैं। तो देखो, एक तो ये हो गया है मेरा, इसको इक्वल टू एक्स मान रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया फिर, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा होने वाला है लीनियर पेयर के कारण। फिर मैंने लगाया 180 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कट गया, 2x इज इक्वल टू थीटा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई टू, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा थीटा बाई टू हो चुका है और ये भी मेरा थीटा बाई टू हो चुका है, यहाँ तक है ठीक है। जो लोगों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है उन लोगों के लिए, तुमको दिख रहा था ना ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, तो आई थीटा बाई टू लिख सकते थे, पर मैंने बता दिया है जिनको नहीं समझते एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अभी स्ट्रेस सुन रहा हूँ उस चीज़ का, ठीक है। अब देखो देखो ये स्टेप समझिएगा क्या हुई है, ये और ये इक्वल है, ये एंगल को एक्स माना तो ये एंगल भी एक्स हो गया, ये 180 माइनस थीटा होगा लीनियर पेयर, एंगल से हम प्रॉपर्टी करूँगा तो उससे आ जाएगा। अब देखो गाइस, अब फिर से मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ मेरे खुद के लिए, ए सी बी, ये 90 डिग्री है, ये मेरा थीटा बाई टू है। यहाँ तक किसी को भी कोई इश्यूज है क्या? पक्का नहीं बेटा, ये थीटा बाई टू चल रहा है मेरा एंगल। हाँ गाइस, पहले सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना करके मुझे दिखाओगे, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चंस करना मेरे भाई, करो करो, खत्म नहीं हुआ है बेटा ये क्वेश्चन। नहीं दोनों होगा, मंडे तो पेपर ही है। हाँ नहीं, देखो एक बार देखेगा समझ में आ गया तो किस्सा खत्म, फिर देखो स्ट्रेस नहीं आएगा कभी लाइफ में, बिल्कुल पूछ सकते बेटा। हर साल सैंपल पेपर डिफिकल्ट बनता है बेटा, और एक काम करो, ओए ओए ओए, एक और चीज सुन लो, कंस्ट्रक्शन में ना इसको कुछ अभी के लिए मिले वाई और जेड मान लो, अपने वहाँ पे एक्स माना हुआ था इसलिए मैं इसको वाई और जेड मान रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा जेड बन चुका है, ये मेरा वाई प्लस वन बन चुका है। अब एक स्टेप का ही आंसर है फटाफट,
ओ हाँ वो ठीक है। ये एक अजीब सा क्वेश्चन है अकेला बेटा, आगे इतना गंदगी नहीं आने वाला तुम लोगों को, तेरी कसम। सेकंड में पेज नंबर 32 लिखा है, मैंने कुछ गलत बताया क्या? अब देखिए गाइस, एक बार देख लीजिए मेरा LHS क्या है क्वेश्चन के अंदर का, टैन थीटा बाई टू था, तो उसके लिए मेरे को ये ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। क्या उसकी वैल्यू z अपॉन y प्लस वन हो रही है? ये वाले ट्राइंगल सा है मेरा मेरा आप देखो RHS साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, उसके लिए मैं ये वाले ट्राइंगल ऐसे, हाँ ये वाले ट्राइंगल के हिसाब से जा रहा हूँ मैं, तो बेसिकली ये वाला फाइन। तो वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू तो वन ही है मेरी यहाँ पे, तो जेड अपॉन वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस वाई, खत्म हो गया प्रूफ। हो ये वाले के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल पे गया हूँ, तो चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं वो वाला ट्रायंगल भी तुम्हारे लिए बना देता हूँ। ए ओ बी, उसमें ये वन है मेरा, ये थीटा है, ये वाई है, ये जेड है, ये तीन मार्क का क्वेश्चन है बेटा सैम्पल पेपर का। थोड़ा सा क्विकली रैप अप करना है क्वेश्चन को बेटा। अब देखो मैंने ये LHS जो था थीटा बाई टू मतलब ये वाले ट्रायंगल के पास गया हूँ, RHS थीटा मतलब ये वाले ट्रायंगल के पास गया हूँ, खत्म वैल्यू उसने कहा खत्म आ गया। LHS RHS, RHS की वैल्यू साइन थीटा देख अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब जेड बाय वन, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस वाई बाय वन, समझा क्या भाई? ये ए ओ बी ट्राइंगल देख, साइन थीटा यहाँ पे अगर निकालूंगा मैं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा जेड लिख दिया मैंने, कॉस थीटा निकालूंगा मैं तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसके पे वाई लिख दिया मैंने। मेरा देख क्वेश्चन का RHS क्या था, हाँ बेटा बेटा मेरे को जहाँ से थीटा मिल रहा था वो वाला मैंने ट्राइंगल RHS के लिए यूज़ किया है, जहाँ से थीटा बाई टू यूज मिल रहा था वहाँ से मैंने LHS के लिए यूज़ किया है। क्या बेटा गाइस देखो टैन थीटा बाई टू मतलब ये वाला ट्रायंगल पे गया, टैन थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट था जेड एडजेसेंट था वाई प्लस वन, मेरे को आइडिया नहीं बेटा, बट नहीं तो बुक तो बेटा तेरी कब की बनी हुई है, वो केस स्टडी में पूछना चाहिए अगर पूछेगा तो, और फिर तेरे व्यूज पूछना चाहिए। दे आर ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल मोर एप्लीकेशन बेस्ड एंड मोर आई वुड से लेस रट्टू एंड मोर अवेयरनेस बेस्ड, तो मे बी यस। चलिए ओए गाइस शांति शांति, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ गाइस, प्लीज ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, क्लिक हो गया तो हो गया, तो उड़ गए बेटा। साइन थीटा ये देखो, साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस जेड अपॉन वन, बेटा रेडियस वन है ना ट्राइंगल का, तो ये ट्राइंगल का ये वन हो रहा है। बेटा बातें मत करो प्लीज यार प्लीज, गाइस एक क्वेश्चन जो लिख रहा हूं साथ में कॉपी करना शुरू कर सकते हैं आप लोग।
नहीं तू इसके जैसा है ये क्वेश्चन के लिए यूजलेस हो लिखा हुआ डेटा पगला है तू सही में गाइस ओए अब सुनो तुम लोगों को कभी पेपर में ये अक्यूट वक्यूट लिखा हुआ है ना टेंथ में उसकी इज्जत नहीं होती है ठीक है इलेवेंथ में जब आओगे तब उसकी एकदम से इज्जत बढ़ जाएगी तुम्हारे को अभी उसकी इज्जत के लिए दिमाग नहीं लगाना है ठीक है अब सुनो सिंपल सा क्वेश्चन है अक्यूट एंगल है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है फट से तो थीटा की वैल्यू कितनी हो रही होगी अरे चोपलो कब साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हुआ था 45 डिग्री पे हो रहा है खत्म लेस देन 45 लेस देन 90 हाँ सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू 45 डिग्री जैसे ही 45 डिग्री हो गया है तो मेरा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू इज टैन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 माइनस टू विच इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस टू विच इज 0 एमसीक्यू इसके सिवाय कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है अगर कि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है सर तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 मतलब टैन थीटा इक्वल टू 1 मतलब कॉट थीटा भी इक्वल टू 1 वो ऐसे भी कर सकता है समझाई चीज क्या हुई है हाँ मनन वो ठीक है बट तुम्हारे को दिखना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होते थे 45 पे अब ऊपर वाला नहीं दिखा रहा हूं मैं थोड़ा फास्ट क्या करो अब गाइस नियरली एक ऐसा ही क्वेश्चन है ठीक है ना वो दिखा रहा हूं मैं उस पे ध्यान देना है क्लॉक मूव हुआ है 54 मैं 56 तक का टाइम दे रहा हूँ डेढ़ मिनट है बेटा बहुत ज़्यादा होता है मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के रख रहा हूँ नेक्स्ट वाला तुम में से जिसका हो गया होगा वो कॉपी करना चाहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता है वो जिनको अटेम्प्ट करना है वो लोग अटेम्प्ट भी करना शुरू कर लेंगे हाँ कोई कुछ बोल रहा था ये क्वेश्चन ये कहाँ से फेमस होता था भाई इसमें क्या फेमस होने लायक है बढ़िया है भाई अब गाइस ओए लास्ट 30 सेकेंड फट से वो करो और ये क्वेश्चन को भी लिख के रखो क्या हाँ सही हाँ टू आंसर वन नहीं आंसर सही बेटा इसका आंसर मत पूछो ओए तुमको मैं एक एक आंसर करके दिखाऊंगा जिसको समझ में आ रहा था जो मैं किया हूँ तो वो खुश हो जाना अंदर ही अंदर में जो अलग सोच रहा था वो अपसेट होके आगे बढ़ जाना लाइफ में अपने चलो अब ओए ये देखिए अभी ये तुमको दिया गया है तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो चुका है मेरा यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो चुकी है खत्म अब तुम्हारे को क्या पूछा उसने वैल्यू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा मतलब साइन की पावर 4 ऑफ 45 डिग्रीज प्लस कॉस की पावर 4 ऑफ 45 डिग्रीज साइन की पावर साइन 45 होता था 1/√2 1/√2 की पावर 4 कॉस की पावर 45 कॉस 45 होता है 1/√2 उसकी पावर 4 अब बेटा 1/√2 की पावर 4 है ना 1/√2 एक बार जस्ट लिख के दिखा रहा हूँ लिखना नहीं है था ये दोनों मिला के 1/2 बन जाएंगे ये दोनों मिला के 1/2 बन जाएंगे तो बेसिकली 1/4 बन रहा है वो
ये भी 1/4, तो आंसर हो गया 2/4, मतलब 1/2, खत्म। हाँ वो मैं बाद में, तू दोनों इक्वल है इसके लिए वो कर रहा था, वो सही है। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं यार, प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, मैं क्लास में निकालना शुरू कर दूंगा लक्ष्य। थोड़ा जल्दी रैप अप करना बेटा, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी फुद्दू सा ही है। मैं क्वेश्चन लिख के रख रहा हूं, आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं, मैं आपको ऊपर कर दूंगा स्क्रीन बाद में। cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, नहीं तू क्या क्वेश्चन रखता क्या बैठ के पे, हाँ वो भी गलत। ये क्वेश्चन बहुत फुद्दू सा है, देखने में लोग एकदम स्ट्रेस खा जाते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी, ये बी है ठीक है ना, इसे प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फट से लिखो ये क्वेश्चन और ऊपर का सॉल्व करो, खत्म करो वाला। मैं आप लोगों को 8 o'clock तक का टाइम दे रहा हूँ, वो जस्ट होने ही वाला है, ये कहते हैं 7:59। अरे देखो बेटा, जितने ज़्यादा तुम अभी कराने दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे को मंडे के पेपर में तुमको फ़ायदा होने वाला है। बेटा वो तुम्हारे को 3 sets आने वाले हैं, तुमको ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम लोगों की बुक से ही आ रहे हैं, मतलब क्या, या तो उस वाले या तो ये या तो वो बुक से ही। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पहले ओ हमको पता है ये यहीं से पेपर बन रहा है 45 पेपर है गो थ्रू कर ले, वो मत करना बेटा। लेट इट बी अ पेपर फॉर योर फाइट, ठीक है। चलो अब ओए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, मेरा LHS क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एम की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा, ये देखो पहले इसको खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवन वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अर्लियर, समथिंग सिमिलर, आई थिंक भोयर, उसने ना ए कॉस थीटा के होल स्क्वायर को ए कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, समथिंग लाइक दैट। बेटा ये चीज़ों का ध्यान रखना बेटा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। मैं दूसरे वाले को ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम ही चीज़ सी कट गई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यहाँ से मैंने निकाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भैया ए स्क्वायर इंटू 1 हो गया, वो बी स्क्वायर इंटू 1 हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा RHS के बराबर। बेटा पेपर के अंदर 2 mark का क्वेश्चन आया हुआ है, उससे ज़्यादा की इज्जत रखता भी नहीं है सर, कितना डिफिकल्ट है। अबे तुमने देखा नहीं था इसलिए तुमको डिफिकल्ट लग रहा है यार, फुद्दू सा क्वेश्चन था। फट से क्वेश्चन का करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या शुरू है बातें यार, प्लीज चुप रहो ना।
बेटा 82 वो है, 1 मिनट 40 सेकंड और दे रहा हूँ मैं ऊपर का सॉल्व करने के लिए। जा जा जा, 2P लिखा है बेटा उसका RHS। नहीं यार ये बेटा देखो, ओए अगेन टेलिंग यू दिस थिंग, मैं क्वेश्चंस वही करा रहा हूँ जो डिफरेंट है। एनसीईआरटी के लायक जो क्वेश्चन थे वो मैं स्किप कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो अभी तुम लोग एनसीईआरटी एक्सपर्ट में ना, सॉरी इतना डिफिकल्ट है क्या बेटा? वो 45 पेपर्स में से उठा के मैंने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। बोर्ड्स में ऐसा नहीं कि इतना ही भारी आएगा, हो सकता है बहुत भारी रहे और में सिंपल आ जाए, या दोनों ही बहुत भारी रहे, दोनों ही बहुत सिंपल रहे, या एक ही आए वो सिंपल रहे। अपन कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपने दिमाग में चाहे दोनों ही भारी आए, बट तुम लोगों ने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करा कि तुमको आ जाए बेटा। हाँ बेटा क्या लास्ट 30 सेकेंड्स गाइस। हाँ बच्चा मे बी एल एच आर एच एस अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर में जरूरत ही नहीं पड़ रही बेटा मेरे को, मैं डायरेक्टली पहुंच पा रहा हूँ इजीली। एल एच आर एच एस अलग से करूँगा आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि मेरे को आर एच एस की वाली बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, उसमें ए की वैल्यू ही नहीं पता ना मेरे को बेटा कुछ भी। तू क्या करेगी आर एच को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे क्या सॉल्व करेगी उसको? ए की वैल्यू पता ही नहीं ना बेटा तेरे को। मेरे को आवाज आ रही है, तुम लोग जो झूल रहे ढूंढ रहे वो भी दिखाई दे रहा, शांति से बैठ रहो क्लास में। अब गाइस ओए ये क्वेश्चन ना कुछ नहीं है, फैंसी क्वेश्चन लिखाया हुआ है उसने। ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या तुमको दिखाता हूँ, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन इज 2 times साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तुमको अगर ऐसा लिखा हुआ दे दिया होता तो तुम क्या बोलते, सर ब्रह्मास्त्र लगाएंगे वहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट खोलेंगे, करेक्ट? वो ये सिर्फ उसने क्या किया ना, वो P और Q लिख के तुम्हारे को बोल दिया ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। नहीं यार, ये क्वेश्चन ऊपर का मैं नीचे ट्रांसलेशन में लिख दिया है, प्रूव दैट वो P की जगह Q की जगह पे Q की वैल्यू डाल दिया मैंने, sec थीटा प्लस cosec थीटा, ब्रैकेट में P स्क्वायर माइनस वन था, P स्क्वायर यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2P मतलब 2 times sin थीटा प्लस cos थीटा। समझाइए जी क्या हो रहा है, श्योर? देखो अब मैंने LHS उठाया मेरा अभी, मैंने इसको पहले तो ब्रह्मास्त्र लगाया, 1 by ये क्या जाएगा cos थीटा प्लस 1 by साइन थीटा इंटू ये तो ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस वन था वो माइनस वन मैंने डाल दिया है। यहाँ पे बेटा मैंने LCM लिया, साइन थीटा प्लस cos थीटा by साइन थीटा cos थीटा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये तो कट जाएगा मेरे लिए बेसिकली 2 sin थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा कट गया, आंसर क्या 2 times साइन थीटा प्लस cos थीटा जो कि RHS था, या फिर तुम्हारे को इच्छा है तो इसको 2P करके बोल दिया RHS हो गया। ये 3 mark की औकात का क्वेश्चन था क्या? आया 3 mark वाले में। देखो ये 3-4 steps या 1 step या 100 steps वो डिसाइड नहीं करता है, तुम्हारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कितना है वो डिसाइड करता है मार्क्स कितने हैं। कर इसको फट से खत्म, ये वाला क्वेश्चन है तो मैं नहीं हेल्प कर रहा हूँ, ये वाला तो मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैथ पढ़ा रहा था तू सॉल्व कर रहा था। गाइस प्लीज शांति, प्लीज शांति बेटा। बच्चा लोग प्लीज शांति, प्लीज बेटा। बेटा टिल 9 का टाइम दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको रैप अप करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लीजिए तब तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है वैसे, MCQ का आया हुआ है, बट वो MCQ लायक मे भी नहीं है।
तुम लोगों को मैं बताऊंगा अगर एमसीक्यू में पूछा तो कैसे करना है और नॉन एमसीक्यू में पूछा तो कैसे करना है, ठीक है ना। इसको ये अभी तो एक मिनट लगेगा, लेकिन है कैसे कट नहीं है बेटा, वो टू ए है, ए स्क्वायर होता है ए इन टू ए, प्लस ए होगा। हाँ देखे देखो क्या क्या क्या, नहीं नहीं वैसा ही है आसपास में, बट देखो इतना जल्दी क्लिक नहीं होगा। अब गाइस ओए यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज बेटा, देखो अगर ये एमसीक्यू में पूछ लिया होता ना मेरे को, तो मेरे को ये दिख रहा है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के लिए टू है, तुम सोचो ऐसे ही क्या थीटा की वैल्यू डालूँ कि ये टू आ जाए, 45। तो ये टैन 45 प्लस कॉट 45 के लिए टू हो सकती है, ऐसा मतलब तो थीटा के लिए 45 हो सकती है। बस अब ख़त्म मेरे लिए, मैंने बोला टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, मेरे को दिख रहा है फट से थीटा के लिए 45 हो गई है, तो साइन क्यूब 45 डिग्रीज प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्रीज, साइन क्यूब यानी 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब, 1/√2 का क्यूब हो जाएगा 1/√2, ये भी 1/√2 वो हो जाएगा 2/√2 कटा कटा आंसर 1/√2 बचेगा। बट ये देखो ये MCQ में आया ठीक है, बट यही चीज़ अगर तुम्हारे कुछ इसमें आ गए ना, तुम ये ऐसे नहीं कर पाओगे, नहीं तुमको दिखाना पड़ेगा। अब सुनो, अब सुनो ओए, जो ध्यान नहीं देगा ना और जो लिखेगा जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो यार, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तुम्हारे को, पहला मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अब देखो इसकी जगह पे अगर मैं इसको ऐसे करूँ, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 जो दिया गया है मुझे, तो मैं लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अभी तुम्हारी क्या खुजली हो रही है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 1 बाय ना, वो मत लगाओ रुक जाओ, नहीं 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 अपना दूंगा तो वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको इधर लाया मैंने तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, अगर ये एमसीक्यू होता तो तुम ऊपर कर लिया ठीक है, एमसीक्यू अगर नहीं है तुमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया ये किया, आई कैन अंडरस्टैंड और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता, 1/ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 बोल दिया होता तुम लोगों ने, तो 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर अटक गए होते, इसलिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया मैंने, ये साइन थीटा कॉस थीटा को वहाँ भेजा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये चीज़ a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। कोई चीज़ का स्क्वायर अगर 0 है तो वो नंबर को खुद को 0 होना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर 0 है जरा, ठीक है डोंट स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 बेसिकली, मैं स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स का। हाँ बेटा अगर गलत साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया तो आप लोगों का 1/ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 होगा, इधर उधर करोगे भी तो या तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, उसके आगे तो बढ़ नहीं पाएगी बेटा, ठीक है ना, समझाए टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टैन थीटा, टैन थीटा प्लस माइनस 2 टैन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो टैन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो टैन थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 45, वो भी चल जाएगा जो तू कर रही है, जो तू कर रही है सही है, तू करेगी वो वाला, तू 1/ टैन थीटा ले ले उसको, फिर एलसीएम लेके कर ले, आइडेंटिटी वही बनेगी फिर। हाँ बोल, अभी फर्स्ट मेथड नहीं समझा, अच्छा है हाँ, वो वाला एमसीक्यू छापे वाला नहीं समझा वो चल जाएगा, नीचे का समझना जरूरी है। साइन प्लस कॉस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर माइनस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। हाँ सुन सुन सुन,
तेरे को प्रॉब्लम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वन हो गया, वो तो ठीक है, तो वन माइनस साइन कॉस, तू शायद यहाँ से साइन कॉस की वैल्यू वन बाई टू है ये भी बोल देगा, बट साइन प्लस कॉस की वैल्यू तेरे को नहीं पता है, तेरे को वो इशू आ रहा है बेसिकली। समझा विजय, ये वाला एमसीक्यू में पूछा गया था, अगर बोर्ड में पूछा गया था दो से तीन मार्क का पूछना चाहिए उसमें कम से कम। फिर साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब की वैल्यू निकाल देना। नहीं बेटा वो बाय ऑब्जर्वेशन नहीं चलता ऐसा, बेटा मैंने आगे साइन क्यूब और कॉस क्यूब की वैल्यू निकाली नहीं है, ठीक है ना। हाँ बोल बेटा, भैया मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया गलती से। हाँ ये रहा, कुछ तो गलत है, तेरा नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि थीटा तेरे को अभी को पॉजिटिव है, तेरे को साइन और कॉस तेरे को पॉजिटिव भी पता है, वैसा रख ले तू बस, को तेरा आंसर सही था, वो नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। हाँ बेटा गाइस सुनो, बेटा अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो है, स्क्वायर रूट लूंगा मैं तो ए माइनस बी इजी को स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, मतलब वो जीरो ही रह जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन है बिल्कुल ये वाला जो मैं आपको दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ये खत्म करिए आप लोग। गाइस ओए ये क्वेश्चन खुद से करने का अटेम्प्ट करो फट से, मैं 20 बज के अरे 8:14 हुए हैं, 8:16 तक का टाइम दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन खुद से करने का कोशिश करो। नहीं ये 30 है, ये 5x लिखा हुआ है बेटा, क्या एक्स ये 30 है, ये भाई लोग प्लीज बातें मत करो ना प्लीज बेटा, मेरे को है ना बिल्कुल शौक नहीं है उठ के कनपट बजाने का, किसी को बजा दूंगा अब मैं। चलो ओए ये देखो ये रेड वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कब टैन की वैल्यू 1 होती थी 45 डिग्रीज पे, तो मैंने कहा टैन 5x प्लस 30 इज इक्वल टू टैन 45, ये टैन टैन काटना मत ऐसे, डायरेक्ट लिख देना बस 5x प्लस 30 इज 45, तो एम्प्लाइज x की वैल्यू हो गई 3। नहीं नॉट नीडेड, नहीं फाइन थीटा इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 - √3/1 + √3 है, तो क्वेश्चन लिखो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। हाँ ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, यस। हाँ बेटा 1 / √2 + 1 / √2 = 2 / √2, मतलब 1 / √2 आ जाएगा। नहीं 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 मतलब कुछ मत ऐसा रैशनलाइज नहीं कुछ, डायरेक्टली क्रॉस कार्य, क्या बातें चल रही है यार मुझे नहीं पता, पर तेरी आवाज़ इतनी लाउड है कि मेरे को तेरी छाती है, शांत रहे बच्चा।
गाइस सुनो, ओए कॉन्जुगेट, यस अपने को आदत है यहाँ पे कॉन्जुगेट करने की, बट जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो अभी क्या सोल्यूशन, कुछ नहीं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर लिए? अरे अरे इक्वल दिए हुए, मुझे प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस रूट थ्री, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वन माइनस रूट थ्री। डिस्ट्रीब्यूटिव अब यहाँ पे लगाया, कॉस थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा। अब जो चीज़ें कट रही है, काटा कॉस, कॉस कट रहा था बेटा मेरा, माइनस रूट थ्री साइन था, माइनस रूट थ्री साइन थीटा कट रहा था, इधर उधर किया बेटा मैं तो, टू रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा हुआ, टू टू कट गया बेटा, तो रूट थ्री इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टैन थीटा, एम्प्लाइज थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज हो गई है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, दो मार्क का क्वेश्चन था, पूछ सकता है बिल्कुल ये। इसके बाद का क्वेश्चन मैं लिख के रख रहा हूँ, जिनका ये हो जाएगा वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। चुप रहना बे, हाओ बट बहुत मेहनत लगी होती तेरे को, क्योंकि तेरा कंजुगेट से करने का स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी आया होता, तू मर गया होता। फिर उसके बाद मैं तेरे को फैक्टर एग्जाम था जो मुझे नहीं आता है, इसलिए मत करना यार इसमें। क्वेश्चन पढ़ूं बस हो गया। अच्छा फाइंड एक्स, वैसे फाइंड एक्स माय बैड, ओए देखो तुमको ये समझ में आ रहा है, वैल्यूज डालनी पड़ेगी, जिनको वैल्यूज याद नहीं है उन लोगों के मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक्स टैन 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री, तू जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा, बताऊंगा वो भी। कॉस 60 क्या देती है 1/2, साइन 60 आती है रूट थ्री बाई टू, कॉट 60 की वैल्यू हो जाती है बेटा आई थिंक 1/√3, ठीक है। ये इससे कट गया, ये और ये कट गया, एक्स इंटू रूट थ्री इज़ वन, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1/√3। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ब्रह्मास्त्र लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टैन 60 को साइन 60 बाई कॉस 60 लिख रहा हूँ, चल जाएगा वो 60 कट जाएगा वहाँ पे, कॉस जो कॉस बाई सिक्स साइन लिखोगे वो कट जाएगा, वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको वैल्यूज पता दी तुमने, वो कर लिए। ये क्वेश्चन को रैप अप करो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा मस्त सा क्वेश्चन है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू का ये भी बेटा, इलेवन क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ बेटा, इफ कॉस वाई, कोस ही नहीं लिखा बेटा मैंने, कॉस वाई इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू कॉस ऑफ वाई बाई टू, कॉस वाई द होल बाई टू नहीं लिखा है उसको मैंने, नाइनटी। नहीं 1/√2 आंसर आएगा उसका, हाँ नहीं पगला है क्या थोड़ा सा। अच्छा वो फाइनल आंसर के लिए, वो एमसीक्यू मैं देख लेना, वो क्या बेटा, यस बेटा। अब मैं तुम लोगों को इस साल जो सैम्पल पेपर आया है बोर्ड्स का, उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये हर साल बोर्ड्स के सैंपल पेपर में आते ही छे,
हर साल के इसमें बोर्ड्स में आया हुआ है 2016 में, ठीक है ना। आंसर 1/2 √2 बस। यस, उसने रैशनलाइज किया है, सही है। गाइस एक बार ये देख लो, कॉस वाई की वैल्यू 0 है, मतलब कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 90, मतलब वाई की वैल्यू 90। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 कॉस 90/2 मतलब 45, तो 1/2 इंटू कॉस 45 मतलब 1/√2, आंसर हो गया 1/2 √2। ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद वाला क्वेश्चन में पूरा ध्यान देना, पेन पेंसिल स्केल रबर सब छोड़ के कॉपी बंद करके प्लीज। क्या, और ये BVM जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ हाईली लाइकली तुम्हारे के एक सेट में आने वाला है, सेम डेटा तुमको लिटरली बता रहा हूँ मैं, जो तेरे पास वो जो लिखा हुआ है ना वो टैन वाला वही। प्लीज बेटा अरे ऊपर नीचे 2√2 नीचे 8 आएगा, ऊपर नीचे कटेगा 2/4 होगा ना, 2√2 का स्क्वायर। हाँ तू क्या होती बेटा, स्तुति नहीं चल जाएगा। हाँ बेटा बेटा देख, तुम लोगों को ना अभी के लिए वाया ट्राइंगल पढ़ाया जाता है, इट इज एक्चुअली वाया सर्कल ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए भी उस पर मत स्ट्रेस ले बेटा। यू विल इन फ्यूचर रियलाइज नेगेटिव एंगल भी होते हैं, मोर देन 360 डिग्रीज एंगल भी होते हैं, तो इसलिए वो छोड़ दे। इनफैक्ट एंगल्स तू अभी थीटा से डिग्रीज में देखता है, तू आगे रेडियंस में देखेगा, पाई के टर्म्स में एंगल आएगा कि π/2 इज 90 डिग्री, वो साइंस में है, कॉमर्स वालों को नहीं है। कॉमर्स का मैथ बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, यानी मैंने आज भी मैं पछता तो ये चीज़ के लिए कि काश हम लोगों को कॉमर्स का मैथ्स भी पढ़ाया होता। साइंस लेके मैं कोई ये नहीं था, मैंने इन्जॉय किया साइंस का मैथ्स भी, कॉमर्स के मैथ्स में इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलती है। जैसे गाइस ओए, एक जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल से कहता हूँ, आज मैं एक मीटिंग में गया था, ठीक है, तो मेरा फ्रेंड को एक कंपनी एक्वायर करनी है, मैंने खरीद रहा है, गुडविल करके एक चीज़ होती है, पता है तुम लोगों को, कि बेसिकली हो जाता है कि मान लो रोकड़े ज्वेलर्स है, अब उसने उसके पास 1 करोड़ का माल है, तो माल तो मुझे 1 करोड़ में दे देगा, बट भाई उसका ब्रांड नेम भी मैं उठा रहा हूँ, वो भले 100 रुपये का, और उसने 50 साल तक मेहनत की है, लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं उसकी गुडविल भी उठाता हूँ, खरीदना पड़ता है, यानी उसको मेरे को और एक्स्ट्रा सरप्लस में पैसे देने पड़ते हैं, तो वो चीज़ों का पूरा पूरा कैलकुलेशन चल रहा था। क्या कुछ क्या वो हो गया, या फिर और भी चीज़ें जो उठाते तो गुडविल बोलते हैं, तो वो चीज़ों का कैलकुलेशन चल रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इसलिए लेके गया था कि मेरा बेसिक मैथ्स ठीक ठाक है, आज हमको डील फाइनल नहीं करनी थी, डील फाइनल के लिए CA को लेके जाएगा, उसका ये था कि भाई थोड़ी इज्जत रखूँ मैं मेरे खुद के CA के सामने, इसलिए तेरे को ले जाऊँ कि बेसिक्स देख लेंगे अपन लोग। तो वो बंदे ने हम लोग को जो कोटेशन दिया, मेरा फ्रेंड बड़ा खुश हो गया, 6 करोड़ में कंपनी मिल रही है, ये है वो है ऐसा है वैसा है करके, फिर हम लोग ऑब्वियसली उसके सामने हम डिस्कस करेंगे नहीं, हम लोग बाजू में गए, लिटरली मैंने उसको शो कर दिया कि भाई 2.5 करोड़ के ऊपर अपन पैसा भरेंगे तो अपना पैसे का नुकसान आ जाएगा। और ये चीज़ मेरा मैथ्स अच्छा इसलिए नहीं हो पाया, लकीली मैं 11th-12th का मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है यानी कॉमर्स वाला, और उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें थी, वो है बेटा बायो बैकग्राउंड, डॉक्टर एक्चुअल में, ठीक है, तो वो हमने 2.5 करोड़ रुपए का उसको वैल्यूएशन समझाया, भाई हम 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर 1 रुपए नहीं भर पाएंगे। फिर वो CA के पास लेके गया मेरा कैलकुलेशन, वो CA ने बताया कि 2.25 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं भर सकते हम लोग। अब ऑब्वियसली वो CA है, उसको ज़्यादा समझता है, बट जो हम लोगों ने मेजर किया था, हमने 2.5 करोड़ रुपए का उसको बता दिया था, भाई हम लोगों को 2.5 करोड़ के ऊपर तो कुछ है नहीं, और आगे हम लोग वैल्यूएशन फर्दर देखने वाले हैं। फिर वो है ना, उसके 6 करोड़ जो एक्सपेक्टेशन थी, हम लोग लिटरली बच गए, वो बेचा नहीं हम लोग, बेचेगा भी नहीं हमको पता है, पर वो 4 महीने घूमने के बाद में भी उसको 2.5 करोड़ के ऊपर तो कोई दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें बिजनेस में फायदा ही नहीं होगा किसी का, अनलेस कोई कार्तिक जैसा जो मेरा फ्रेंड है वो एकदम खुश होकर कोई और खरीद ले, बट वो भी कोई खरीदता नहीं भाई, 6 करोड़ रुपये की जब बात आती ना तब CA VA को लेके बैठते अपने कि क्या है, और फिर वो दिखा देंगे उसको, सामने वाले बंदे को पास में CA है नहीं, उसने अपने मन से कुछ भी बना के दिया था फिगर, वैसा चीज़ है। इसलिए मैं तुमको जेन्युइनली बोलूँगा, साइंस भी कर रहे हो ना, इन फ्यूचर ये सब चीज़ें सीख जरूर लेना, फंस जाओगे नहीं तो, और कॉमर्स कर रहे हो तो मैथमेटिक्स जिन लोगों का बेसिक ठीक ठाक भी है ना वो ले लेना, तुम लोगों के 5-10 मार्क्स कम जरूर आ जाए बोर्ड्स में, पर तुम लोगों को लाइफ में तुम्हारे बहुत पैसे बच सकते हैं बेटा। चलो नाउ ओवर टू दिस क्वेश्चन, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, सुनो, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे,
वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर कॉस स्क्वायर थीटा, आप पागल हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, ठीक है, इसी को जो थ्री साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। बेसिकली मुझे ये पूरे इक्वेशन को टैन में कन्वर्ट करना है। साला ये तो सीखे ही नहीं अपन, अजीब गरीब हरकत है, तो अब मैं सिखा रहा हूँ। दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो सर, क्यों दिखेगा चीज है, एक बार देख लिया तुम लोगों को एग्जाम में याद आ जाएगा पहला स्टेप, ठीक है। ये देखो, मैंने 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा द होल बाय कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे भी और यहां पे भी कर दिया, कटा कटा, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी, कटा कटा सर बधाई हो, टैन थीटा आ गया। अबे एक ही जगह है, यहां पे भी लाना है। अब मैंने यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं सॉरी, अपना अपना दिया 3 टैन थीटा, सर बधाई हो टैन स्क्वायर थीटा आ गया। अबे ये बचा है, रुको, इसको लिखा मैंने sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, विच इंप्लाइज 2 tan स्क्वायर थीटा, ये इसको यहां ले जा रहा हूं मैं, माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए मैंने बोल दिया लेट टैन थीटा बी इक्वल्स टू एक्स, सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए। तो ये बन गया क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स लगाओ, तुम्हारे ऊपर है। मैं स्प्लिटिंग इसलिए लगा लूँ क्योंकि बहुत ईजीली मेरे को स्प्लिटिंग दिख गया था उसका। ये देखिए गाइस, मैंने कॉस स्क्वायर से अपना बता दो क्यों डिवाइड किया, बेटा मुझे हर एक चीज़ को टैन में कन्वर्ट करना था। सर हमको कैसे समझेगा, मैं अगर तुम्हारे एज में होता और मेरे को स्कूल वालों ने ट्यूशन वालों ने या मैंने खुद ने क्वेश्चन करके नहीं गया था, मेरे को बोर्ड में नहीं दिखता सर। मैं बहुत अच्छा था मैथ्स में, ऐसा नहीं कि मेरे को हर क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगा कि बोर्ड में तुम कुछ भी उठा के, तो नहीं मैं रहता आज भी, तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वर्क किया हुआ, मैंने बहुत हायर मैथमेटिक्स पढ़ा है, बट हो सकता है कहीं पे मेरे को भी ना समझ में आए। अब भी एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर का ही एक दिखाऊंगा तुम लोगों को, कंस्ट्रक्शन क्लिक ही नहीं हुआ मेरे को, होता है बेटा चीज़ें, इसलिए तुम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब एक बार दिख गया ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन तो मुझे कभी भी तो मैं करके दिखा सकता हूँ तुमको, सेम विल हैपन विथ यू। दोनों साइड से कॉस स्क्वायर डिवाइड किया, राइट साइड में फट से बन गया, अपना अपना दिया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर बन गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर होता है उसको टैन स्क्वायर में मुझे कन्वर्ट करना आता है, खत्म, आगे का तुमको जम जाएगा। चल ठीक है, एक मनन का एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है सर, मैं थीटा को 45 अज्यूम कर लूँ और प्रूफ कर दूँ कि यहाँ तक LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो मेरा आंसर हो जा रहा है 1/2 के लिए क्या करेगा मनन, क्योंकि तुम्हारे को टैन थीटा के लिए 1/2 पता नहीं, और वैसे भी वो अलाउड नहीं है जो ये बोल रहा है, ठीक है। कोई और सर बता, हाँ ये सेक्स की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर लिखा बेटा, इसको ऐसे लिखा है, हाँ बेटा प्लस है ना बच्चे, पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन में लगती है, ये 1 + 2 + 3 है, तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, हाँ बच्चा 99.9% एग्जैक्ट सेम डेटा में आएगा। ये चीज़ जो ब्लैक में दी है ना, 1 + sin² = sin² + cos² दी हुई है, मैंने वही चीज़ पर दोनों जगह पे मैंने cos² से डिवाइड किया है, सबको tan² में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वो 2 tan²θ - 2 tan θ - tan θ + 1 करके भी तू सॉल्व कर सकता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तुमको दिखाई नहीं देगा इतनी जल्दी, इसलिए मैं उसको एक्स करके लिखा है। अब तू क्या बोलता हीरो, हाँ बेटा देख, अगर मैं बोल रहा हूँ x = 8 फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड में नहीं गया तो गलत हो गया, 3x = 8 हो गया, वो तो गलत हो गई ना बात, 3x = 24 ठीक है, ये ओसवाल किसकी थी जो मेरे को दी हुई है, हाँ मैं रख सकता हूँ आज के लिए एक और दिन के लिए,
देखो कल जरूरत है। अच्छा मानन मैं रख सकता हूँ ये, अरे किसी ने मुझे कल उस वाल दी थी, हाँ तो मैं रख सकता हूँ पक्का। देखो कोई पेपर वेपर सॉल्व करना अगर रहेगा, मान ले इसकी तो मेरे पास है, नहीं इसकी नहीं, एक मेरे पास वो है और एक और एडू कार्ड किसकी है, एडू कार्ड भी रख सकता हूँ मैं। ये काम करो चलो, नहीं मेरे को एक दिन के लिए और दो, मैं तुम्हारे को रिटर्न कर दूँगा। कल नहीं है क्लास, मैं कल जेन्युइनली चाहता हूँ तुम लोग बैठ के मैथ्स पढ़ो, सिर्फ मैथ्स, ठीक है ना। तुम लोगों का परसों एक ही पेपर लिया जाने वाला है बेटा, पागलपन है 50-50 पेपर ट्यूशन में बुला के देना। एक पेपर ले रहा हूँ मैं, ढंग से इज्जत से देना। जिन लोगों ने पहले पेपर्स दिए हुए हैं ना उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है कल, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, और उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा जिन्होंने करेक्ट भी करवाए हुए, सीरियसली। अब तुम्हारे पास शायद से इतना टाइम नहीं है, बट स्टिल जिन लोगों का प्रिपरेशन हो गया वो कल पेपर देके कल भी आ सकते हैं मैं चेक करने के लिए। मैं दिन भर खाली है, मैं तुम्हारे को जो स्लॉट मेरे को जैसे मिलता है मैं वैसे बुला लूँगा। बट प्लीज़ गाइस कोशिश करके परसों के पेपर में तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चीटिंग मत करना बेटा, यानी तुम को श्राप है, तुमने परसों के पेपर में चीटिंग करा, तुम लोगों को ईजी ईजी क्वेश्चन में तुम लोग मार्क्स पढ़ाओगे अपने। और मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पेपर में कोई चीटिंग ना करे, अबे नहीं यार, मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोगों को और मेरे को समझ में, तुम लोग कहाँ हो। वो अभी हीर ने 2 या 3 पेपर चेक कराया है, 50 स्ट्रेस में आ रहा है, वो रो रही है, पर एटलीस्ट वो समझ में उसको तो आ रहा है और मुझको तो आ रहा है कि वो फुद्दू कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं कर रही है। एक खाता जगह किया है ठीक है, वो सानवी थी 64-65 के आसपास रेंज में आज पहुंची, पर धमाधम 8 मार्क की उसने कैलकुलेशन ब्लंडर्स किए हुए है। तो तुमको समझ में था तुम लोग क्या गलतियां कर रहे हो। कनुल के कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किया, पहले से समझ आया स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ हुआ उसका अच्छे से, उसने उसके ऊपर प्रेप खुद ने किया है, जो भी हुआ उसका मेरे को ये दिख रहा है कि कुछ चैप्टर्स की उसने एनसीईआरटी शायद सॉल्व ही नहीं किया हुआ है अभी तक, सर्कल्स बीइंग वन ऑफ देम, पता नहीं वो तेरे को सर्कल से एरिया से रिलेटेड सर्कल कुछ तो भी एक का था। तो ये चीज़ तुमको और मेरे को जब समझ में आना शुरू होगी ना उसी अकॉर्डिंगली वर्क कर पाओगे। यही मान लो अगर हर्षदीप ने पेपर दिया और आजू बाजू से छाप दिया 55 ही आए, ठीक है यार मेरे को लगेगा 55 तुमको आता है, मैं बचे हुए इसके ऊपर कॉन्सेंट करूँगा 25 मार्क्स से, फिर मेरे को तुम्हारा लगेगा एनालिसिस कि तुम लोग ये कर रहे हो, फिर बोर्ड में डूब जाओगे। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कुछ भी हो जाए चीटिंग मत करना यार, जितना खुद से आ रहा उतना खुद से आएगा। और मैं 3 सेट स्पेशली इसलिए दे रहा हूँ जिससे तुम लोगों की इच्छा भी थोड़ी बहुत भी हो वहाँ पर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो चीटिंग करना। और देखो अगेन बेटा मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास इससे बड़ी क्लासरूम है नहीं, तुमको चिपक चिपक के बैठना पड़ेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कुछ लोगों को वहाँ पे बिठाया जाएगा, वहाँ पे इन्विजिलेटर नहीं रहेगा, वो मेजरली उन लोगों को बिठाया जाएगा जो हमको पता है कि ये लोगों का चीटिंग का रेशियो थोड़ा कंपेरेटिवली कम रहता है, ठीक है, या जो लोगों का मार्क्स पता है पहले 4-5 पेपर सॉल्व किए हुए ये लोग अभी थोड़ा सा कर भी ले रहे हैं तो ठीक है यार उनका ही नुकसान होगा। प्लीज़ जो लोग यहाँ बैठने वाले हैं वो इन्विजिलेटर को परेशान मत करना, संजय जी को बेटा उसके ना कल 18 को पेपर है फिर 20 को पेपर है, उसके बाद भी वो अग्री की है आके पेपर लेने के लिए, उसको खुद ने क्या बोलिए वो 3 घंटे में आप खड़े होकर पढ़ना चाहती हूँ उनको समझा देना। तो प्लीज़ बेटा प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। बैग्स वो रखने बोले कि यहाँ पे चुपचाप से बैग्स रख देना, मोबाइल रख उसमें रख देना, अच्छे खासे एक्स्ट्रा पेपर्स निकाल के रखना, ग्राफ पेजेस कैरी करना, अपना कंपस बॉक्स बना के लाना, टाइम पे आना। वो अगर कुछ भी बोले तुमने चीटिंग नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मनन ने चीटिंग नहीं किया, उसने वाला मनन चीटिंग करता पेपर फाड़ दूंगी मैं, फाड़ दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल मत करना भैंस, चुपचाप उठना निकल जाना क्लास के बाद, मेरे से बात कर लेना, मैं भी झापड़ मार दूंगा तुम्हारे को, फिर बाद में सुनूंगा तुम्हारा, ठीक है ना प्लीज़। और छुट्टी मत ले लेना गलती से भी, सर मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है बेटा, 24 आवर्स से ऊपर है भी तुम्हारे हाथ में, एटलीस्ट देर आर 40 आवर्स इन योर हैंड, तुम 40 घंटों में तोड़ फोड़ कर सकते हो लाइफ की अपने पूरे, और अपना पहला पेपर जो तुम फुल कोर्स पेपर देने वाले हो ट्यूशन के अंदर अच्छा दे सकते हो। ये पेपर के बाद में मेजरली बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे याशिका जी का नाम है चंदन खेड़ी का नाम क्या है, याशिका, हाँ चंदन खेड़ी थे ना सर ने, हाँ बेटा ये इसने ऐसे एक पेपर दे दिया, इसने 2-3 पे, इसने 4-5 ऐसे कर लिया, बच्चे भका भक 4-4 पेपर सॉल्व करते हैं, पूछते सर मैंने पेपर सॉल्व किया कब आओ चेक करने के लिए, बच्चा आता है MCQ खुद चेक करता है, जो गलती तब हम देखते हैं, फिर बच्चे पेपर फट चेक होते हैं उन लोगों के, जो गलती है वो ठीक करवाई जाती है, चारों पेपर के अंदर से उनको एनालिसिस समझ में आता है हमने क्या क्या कैसा किया हुआ है, घर जाता है ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पेपर 1 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पेपर करके लेके आता है, ऐसे करते रहते बच्चे 15-20 पेपर चेक करवा चुके रहते हैं। एक लेवल आता है कई बच्चों का पेपर चेक करवाने आते ही नहीं है, सर मेरे को पता है सही है, लिटरली अपने को वो लेवल पहुंचना है। सेम गोज विद साइंस, सेम गोज विद सोशल, सेम गोज विद इंग्लिश,
इंग्लिश में यस ग्रामर तुम्हारे को चेक कराने 10 बार जाना पड़ सकता है, सोशल और साइंस के मेजरली क्या हो जाता है कुछ लेवल के बाद में सेम क्वेश्चन दिखना शुरू होते हैं, अब हो गए क्वेश्चन खत्म, कहाँ से नया पैदा करेगा वो, मैथ्स में हो जाएगा डेटा चेंज करके, फिजिक्स में न्यूमेरिकल चेंज हो गए, कहाँ से बायोलॉजी में हार्ट के ऊपर एक नया क्वेश्चन बना के देगा वो, नहीं पॉसिबल है। तो वो लेवल पे पहुँचना है अपने बोर्ड्स के पहले बेटा, ठीक है। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन मेजर स्कूल पेपर्स एंड बोर्ड्स पेपर है ये देख लीजिए। इफ टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। यस, इन टर्म्स ऑफ एज एंड बीज ओनली ऑब्वियसली, यू कैन नॉट हैव टैन थीटा अगेन ओवर देयर, और यू कैन नॉट जस्ट राइट कॉस थीटा इज साइन थीटा बाय से टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा समथिंग लाइक दैट। यू नीड टू फाइंड द आंसर ओनली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एमसीक्यू क्वेश्चन है वैसे भी। क्या वही बता था बेटा, देखो वही जो बच्चे बोल रहे हैं, एक समझ जाओ क्या महात्मे कहाँ हैं, तो अभी तक पेपर ही चल रहा है इसका, और इतनी कितनी पढ़ाई हुई थी महात्मे की कि वो पेपर इतना लंबा था। वो छोड़ ओए गाइस, ध्यान ध्यान दो अभी, ओए 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 देखो, had the question been this thing 3/4 for example, Laksh, what will be cos theta now? Can cos theta be greater than 1? No bacha, 4k haan fine but wrong, no ye aise nahi karna hai beta aap logo ko, safe tum logo agar value di jaye na ki sin theta ki yani wo waise 1 by 2 agar diya to theek hai tab bhi tum kar rahe ho, मत करना बेटा वैसा कुछ भी कि कॉस थीटा तुम डायरेक्टली वैसा कर रहे हो कि वैल्यू 4k हो गई या 3k हो गई, नहीं तुम लोग अपोजिट की वैल्यू 4k एडजेसेंट की वैल्यू 3k ये ऐसे करते हो उसको। तो देखो बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या है ना, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ये थीटा है मेरा, टैन थीटा ए अपॉन बी था, मतलब ये ए और ये बी है, ठीक है ना। अब तुम्हारे को पता ही है ए और बी वेरिएबल है, कोई कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तुमको के और के डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम लोगों ने बाय पाइथागोरस थ्योरम, मान लो ये ए बी सी था, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुकी है। अब देखिए इम्प्लाइज मेरा कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस होता है विच विल बी बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझाइए सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। कोसेक थीटा साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा, बेटा डायग्राम बना लाना खुद के लिए, सॉरी वो रेशियो दिया था 1:√2 है, तो हमने 1 के और √2 के लिया था बेटा। देखो ए के बी के लेना तू ले ले, वैसे जब वेरिएबल थे तब के लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वेरिएबल के अंदर इंक्लूडेड जैसा मान लो उसको। गाइस ये प्लीज ये क्वेश्चन को कीजिएगा, आइडेंटिटी क्या लगाएगा बेटा तू, अच्छा वही मगर साइंस थीटा पूछा तू अटक गया था, फिर वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया ये वाला, ठीक है उससे भी आएगा और तू पटकेगा, ये वाला ही रखना बस।